देखिए, अगर आप गरीब हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर बने, तो उस गरीबी का यहाँ पर कोई सवाल पैदा नहीं लेता है। प्रतिभा है, लगन है, मेहनत करने का, अगर आपके आपके बच्चे के पास में इच्छाएं हैं और एक आपके बच्चे में भरपूर डॉक्टर बनने का सपना है, तो मैं आपके बच्चे को एक तरह से गोद ले लूँगा, आपके बच्चे को मैं पढ़ाऊँगा, मैं आगे बढ़ाऊँगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज। जहां तक बात है कि किसी के कैरियर बनाने का, दरभंगा में ऐसे हजारों शिक्षक हैं, हजारों ऐसे संस्थान हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम बच्चों को, गरीब बच्चों को कैरियर बनाते हैं। लेकिन जब दिल पर हाथ रख करके कई संस्था भी सोचेगी कि हम किस तरीके से बनाते हैं। हम सिर्फ एक घंटा उनका क्लास लेकर के उन्हें छोड़ देते हैं, हम मॉनिटरिंग नहीं करते, वो बच्चे पढ़े ना पढ़े उससे मतलब नहीं है, हमें पैसे से मतलब है। लेकिन हम बता दें, बिहार मिथिला न्यूज़ निश्चित तौर पर कभी भी किसी मिशन से जोड़ती है उस व्यक्ति के जिसकी सोच अच्छी हो, जिसकी सोच जनता के हित में हो, गरीब बच्चों के हित में हो, जो सोचता है कि हम उसके कैरियर को बनाएं, अभिभावकों के चेहरे पर खुशी हो और दरभंगा का नाम रोशन हो। इसी बात पर हमारी एक विशेष चर्चा हुई है ओपी राय गुरु जी, जो कि बायोलॉजी के आज 25 वर्षों से अधिक से पढ़ाते आ रहे हैं। उनके कई छात्र मेडिकल में जाकर के अपना नाम रोशन कर चुके हैं। अब उन्होंने एक नया मिशन प्रारंभ किया है। जरा गौर से देखिए, दरभंगा के तमाम अभिभावकों से कहेंगे, तमाम लोगों से कहेंगे, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए उन गरीबों तक जो पंचायत में रहते हैं, जिनके अभिभावक किसान हैं, जिनके अभिभावक मजदूरी करते हैं, जिनके अभिभावक सब्जी बेचते हैं, रिक्शा चलाते हैं, दुकान चलाते हैं। ऐसे अभिभावकों के चेहरे पर खुशी और रौनक लौटने वाली है, क्योंकि ओपी राय ने एक मिशन चलाया है 2024 के मिशन के तहत वो 9th के ऐसे सेलेक्टेड बच्चों को पूरी तरह 4 से 5 घंटा उसको अपनी निगरानी में रख करके उसको पढ़ाएंगे, उसको प्रारंभ से ही 9th से ही उसे नीट की तैयारी कराएंगे ताकि उसकी रिजल्ट हो सके और वो सफल हो सके। तो सवाल ये है कि क्या इन पूरे मिशन में सफल कराने के लिए सबसे पहले अच्छे छात्रों की आवश्यकता पड़ेगी, उनके पास पैसे कम हो, वो कुछ ओपी राय खुद डोनेट करेंगे, लेकिन उनका मिशन होगा कि 2024 में जो 9th में बच्चों का एडमिशन हो वो 4 साल के बाद निश्चित तौर पर रिजल्ट दे और दरभंगा का नाम रोशन करे। तो आइए इस मिशन से जुड़िए और आपके आसपास क्षेत्र में जितने भी गरीब हों, लेकिन वो बच्चा गंभीर होना चाहिए, शिक्षक की बात माने और वो निश्चित तौर पर 12 घंटा पढ़ाई करने में योग्यता रखनी हो, ऐसे छात्र हेल्पलाइन नीचे में दिया जा रहा है, उस पर संपर्क करें। देखिए गुरु जी ओपी राय क्या कहते हैं। सभी बिहार मिथिला या मिथिला बिहार न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा तरफ से, ओपी राय भाई तरफ से सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा गठन है। और दरभंगा में गरीब अभिभावकों के बच्चे अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके सपना हम कैसे पूरा करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी खुशी की बात है ऐसे सवाल आपने पूछे। देखिए अगर आप गरीब हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर बने, तो उस गरीबी का यहाँ पर कोई सवाल पैदा नहीं लेता है। रही बात गरीबी, यहाँ पर कोई सवाल पैदा ही नहीं लेता, और आपके बच्चे में प्रतिभा है, लगन है, मेहनत करने का, अगर आपके आपके बच्चे के पास में इच्छाएं हैं और एक आपके बच्चे में भरपूर डॉक्टर बनने का सपना है, अगर पार लखे हैं आप और आपके बच्चे, बस एक चीज़, अगर मेहनतशील आपके बच्चे और समझदारी की यहाँ बात है कि अगर एज ए टीचर हम कुछ बात बोलेंगे कि बच्चे ये बात याद कर लो, ये बात पढ़ लो, तो अगर बच्चे जैसे हो जितना समय लगाना पड़े और बच्चे आपको याद कर लेता है उस टॉपिक को, उस विषय वस्तु को, तो समझिए गरीबी आपके बच्चे आपके लिए कुछ अभिशाप नहीं है। तो मैं आपके बच्चे को एक तरह से गोद ले लूँगा, आपके बच्चे को मैं पढ़ाऊँगा, मैं आगे बढ़ाऊँगा। उसके बाद आप चाहते क्या, अगर बाय द वे कि ऐसा इतना काबिल आप करके बच्चे नहीं हैं, इतना सामर्थ्यवान नहीं, मतलब मीडियम में, मतलब ना नीचे आपके बच्चे का लेवल है ना ऊपर बच्चे का लेवल है, मतलब मीडियम है, तो उस कंडीशन में अगर आप गरीब भी है और चाहते बच्चे को डॉक्टर बनाना, तो देखिए कि कोई भी बच्चे पैदाइशी रूप से तेज नहीं बनते, सब बच्चे एक नॉर्मली एक बच्चे जैसे ही होते सब, लेकिन वो प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं आगे बढ़ने का। तो अगर आप मेहनत करने का, अगर आपके बच्चे में मेहनत करने का थोड़ा सा भी जज्बा है, मेहनत करने का थोड़ा सा भी जज्बा, मेहनत मेहनत के यहाँ पर याद करना रहता,
क्वेश्चन को समझना पड़ता, टॉपिक को याद करना पड़ता, कुछ बात याद करना पड़ता। चूंकि याद नहीं करेगा तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा नीट एग्जाम में। तो अगर थोड़ा सा भी ऐसा है और बच्चा आपका मीडियम है, याद कर लेते थोड़ा सा, तो अगर आप गरीब भी है तो कोई बात नहीं, आप तैयारी करेंगे, बच्चे को तैयारी करवाएंगे, बच्चे को मेरे यहाँ से कहीं और यहाँ से। उसके बाद अगर आपके बच्चे नीट निकाल लेते बाय द वे, और नीट में अच्छा मार्क्स ला लेते हैं, समथिंग में 625 से 720 में 725 मार्क ला लेते हैं, तो यहाँ पर गरीबी कोई बातें नहीं होता। मात्र जानते हैं कि दरभंगा DMCS में मात्र 6,315 रुपया सालाना कॉस्ट है, मात्र 6,315 रुपया सालाना कॉस्ट है MBBS कोर्स करने में बच्चे को लगता। तो यहाँ पर गरीब अमीर की बात कहाँ हुआ, मात्र 6,315 रुपया सालाना कॉस्ट में आपके बच्चे MBBS कोर्स कर लेंगे। लेकिन वो कोर्स करेंगे कब, तो पहले कंपटीशन निकालेंगे, और कंपटीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चे को प्रिपरेशन तैयारी करना पड़ेगा, और तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी टीचर्स से पढ़ेंगे बच्चे, जो भी टीचर कहेंगे बच्चे लो पढ़ लो, याद करो, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये बात इम्पोर्टेंट है, और बच्चे अगर आपका फॉलो कर लेते बात को, हाँ याद कर गुरुजी बोले याद कर ले तो याद कर ले, तो सॉरी श्योर आप गरीबी अमीर की कोई बातें नहीं हो, आपके बच्चे सीधे मेडिकल में चले जाएगा, अच्छा डिवीजन से नीट क्वायर कर लेगा। अब सोचिए बताइए कि 6,315 रुपया केवल चार्ज है, इसमें पैसा कहाँ आया, बात पैसा किस सवाल बात नहीं आया। और दूसरी बात, पहली बात बोले थे यार आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब 100% जो भी कहेंगे वो बात पूरा याद कर लेंगे, जो भी कहेंगे वो बात को फॉलो करेंगे, मेरे बातों को आत्मसात करेंगे, अपने आप में उतारेंगे। जरूर आपके बच्चों का जो गोज जैसे ले लेंगे, हॉस्टल खर्चा देंगे, उसके बाद में लॉजिंग फूडिंग, हॉस्टल के साथ साथ में लॉजिंग फूडिंग भी दे, लॉजिंग तो हो ही गया, हॉस्टल फूडिंग भी दे देंगे, पढ़े वो करेंगे तो बट। लेकिन एक बात, बच्चे भी ऐसा होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर सब पेरेंट्स सब सोचते रहते हैं क्या कि CBSE बोर्ड के बच्चे केवल डॉक्टर बनते हैं या नीट निकालते हैं, ऐसी बात नहीं। लगभग में हम समथिंग में 20-22 सालों से पढ़ा रहे हैं, उसमें देखते हैं कि मोस्ट ऑफ मेरे जितने भी स्टूडेंट डॉक्टर बने उस सब मोस्ट ऑफ सरकारी स्कूल के ही बच्चे रहते हैं, CBSE के बच्चे सब बहुत कम रहते हैं। CBSE के तो बहुत सारे बच्चे सब अदरवाइज मत लीजिएगा, वो तो लापरवाह हो जाते हैं, जबकि उसको इतना सुविधा मिलता, प्रिफ्रेंस मिलता है, फिर भी वो 11th 12th आते आते तक में इतना लापरवाह बनता है, इतना अरियल बन जाते हैं कि बातों को एक्सेप्ट नहीं करते रहते हैं, घमंडी बन जाते हैं, और वो कहीं का भी नहीं रह पाते, मोस्ट ऑफ देखते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देखते हैं, अदरवाइज मत लीजिएगा CBSE स्कूल के बच्चे के गार्जियन जो भी। सरकारी स्कूल के बच्चे क्या रहता है, बहुत ज़्यादा ओबीडियंट रहता, ऑनेस्टली ओबीडियंट रहता, वो न कोई नशा करते हैं, 100% गुरु जी के बातों को मानते हैं, आत्मसात करते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छा आज्ञाकारी होते हैं, माने डिसओबे कभी करवे नहीं करता, हमेशा ओबे में रहते, आज्ञाकारी रहते, और जहाँ भी करते आज्ञाकारी बच्चे ही थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं जो 9वीं 10वीं पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर बनने कैसे बन सके, कैसे तैयारी कर सके, तो कहना चाहेंगे प्रिय अभिभावकों को, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट में रहने की जरूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफ देखिएगा CBSE के बच्चे से उदंड भी हो जाते हैं बहुत सारे, आपके बच्चे बहुत आज्ञाकारी है, थोड़ा सा आप गाइड करिएगा, थोड़ा सा आप अपने अंडर में देखिएगा, वॉच करिएगा, गाइड करिएगा। उस बच्चे को केवल कहिएगा कि जहाँ भी पढ़े बस कोचिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा और ट्यूशन तो लेना ही पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अब ये से नाइन्थ से ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए, फिजिक्स के लिए थोड़ा सा मैथ भी चाहिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के थोड़ा सा मैथ भी चाहिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ इस तीनों पेपर पर देखिए कहिएगा बच्चे को, सपना देख लाइए बच्चे को कि आपको भविष्य का डॉक्टर बनना है, आपको एक पर्ची पढ़ लेंगे तो आप डॉक्टर बनने में आपको मददगार होगा, मदद मिलेगा। तो ऐसे करके अपने बच्चे को प्रेरित करके पढ़ा सकते हैं और इजिली आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है आराम से। हम कह रहे हैं आपके बच्चे बहुत आज्ञाकारी होते, बातों को समझते हैं, उसको इच्छाएँ रहते आगे बढ़ने का, लेकिन CBSE के बच्चे अरियल हो जाते, स्वभाव के मामले अरियल हो जाते, घमंडी हो जाते, डिसओबे करते रहते, नशे मतलब बहुत सारे बच्चे बेसिक बच्चे को देखे कि बहुत सारे स्कूल में देखे हैं और न्यूज में भी आते रहते हैं कि बहुत सारे बच्चे सब नशा में मद में लीन हो जाते हैं, मतलब आदत लगा लेते हैं, बट आपके बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे ऐसे नहीं करते।
तो बस केवल एक काम करना, जहाँ भी आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं ट्यूशन जरूरी होता है, क्योंकि अपने से बच्चे नहीं पढ़ पाएगा, तो उस ट्यूशन में उस टीचर को कहिएगा कम से कम उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ बस इतने पेपर पर सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने के लिए, ताकि उसका 9th 10th मजबूत हो सके और उसी की बुनियाद पर 11th 12th मजबूत हो जाएगा एंड देन आफ्टर नीट क्रैक कर लेगा, नीट रिजल्ट दे देगा।